बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिजी, आप देख रहे हैं देसी किचन विद शिजी। तो शिजी आज आपके लिए बहुत ही मज़े की स्पेशल सी रेसिपी लेके आई है। आज हम बनाएंगे हाथों वाली सेवइयां, जो स्पेशल नानी अम्माई अम्मी के ज़माने की होती थी पोटों वाली सेवइयां, वो बहुत मज़े की और स्पेशल बनती हैं। आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन ये खानी चाहिए, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। चलें जी, करते हैं रेसिपी स्टार्ट। इसके लिए ये देखिए, मैंने हाफ के जी सेवइयां ले ली हैं, पोटों से बनी हुई सेवइयां। ये जो मैदे की सेवइयां नहीं बनाते हाथों से, पोटों से बनाती होती थी पहले अम्मी नानी दादो, ये वो वाली सेवइयां हैं स्पेशल। अभी इनकी बुनाई करेंगे हम लोग देसी घी से। ये देसी घी है, और इसको सजाने के लिए बादाम, मेवे और ये किशमिश वगैरह बाकी चीज़ें होंगी, और तकरीबन 1.5 किलो दूध में ये पकेंगी। तो चलें जी, करते हैं रेसिपी स्टार्ट। इसके लिए मैंने एक ले लिया है पैन। ये देखिए, 1 चम्मच भर के मैंने देसी घी डाल दिया इसमें। ये सेवइयां स्पेशल देसी घी में बनाई जाएंगी, तो बहुत मज़े की और बहुत खुशबूदार बनेंगी। जब देसी घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, 3 से 4 दाने ना ये छोटी इलायचियों के डाल दें, छोटी सब्ज़ इलायचियां खुशबू के लिए ये ऐड कर दें, और साथ ही ये सेवइयां ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह। आँच बहुत हल्की करनी है, हल्की आंच पे इनको आहिस्ता आहिस्ता इनको फ्राई करना है। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 5 से 7 मिनट हमने हल्की आंच पे इसकी बुनाई की है। देखिए सेवइयों का कलर कितना प्यारा गोल्डन सा, लाइट गोल्डन सा हो गया। अब इसमें हम दूध ऐड कर देते हैं। अब तकरीबन 1.5 किलो के करीब ना दूध ऐड करने लगी हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। फ्रेश मिल्क है ये, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डिब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जौन सा भी दूध आपके पास घर में आसानी से है ना आपके पास, वो इस्तेमाल कर लें। जब अच्छे से दूध पकने लग जाए, चम्मच लाजमन साथ साथ हलाते रहें, और साथ पे जो साइडों पे लगेगा ना, इसको भी अच्छे से इसकी बलाई को उतारते रहें, हल्के हाथ से चम्मच चलाते रहें। दूध को गाढ़ा होने तक और सेवइयों के सॉफ्ट होने तक इसको मुसलसल हलाते रहें और पकाते रहें, आँच नॉर्मल हो। जब तकरीबन हाफ कुक हो जाए ना, तो फिर आप ये कटे हुए बादाम, थोड़ी सी किशमिश और ये नारियल के छोटे छोटे से स्लाइस करके ना, तो फली से काट के ये इसमें ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयां सॉफ्ट हो गई हैं माशाल्लाह से। अब इस टाइम पे हमने चीनी ऐड करनी है। चीनी आपने अपनी ज़रूरत के तहत जितनी आपको पसंद है उतनी ऐड कर लें। मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ, 1, 2, 3, 2.5 चम्मच, फिर चेक कर लीजिएगा मीठा आप अपनी पसंद के मुताबिक ही ऐड करें। अब 5 मिनट मैंने मज़ीद और पकाया है, तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयार हो गई हैं। अब मैं ठंडी करके सर्व करके आपको दिखाती हूँ। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई हैं ये, बड़ी अच्छी तैयार हुई हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब ये ठंडी होने के बाद ना थोड़ी और थिक हो जाएंगी, तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसमें सर्व करते वक्त अगर आपने सब्ज़ इलायचियाँ निकालनी हैं तो निकाल लें, क्योंकि फ्लेवर तो सारा आ चुका है, तो ये ऐसे मुंह में आएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। ये जी, ये देखें, ये इलायचियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब अच्छे से इसकी गार्निश करें और सजाएं इनको बादामों से।
देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पोटो वाली हाथ से बनी हुई सेवइयां, देसी घी में फ्राई और दूध में पकी हुई सेवइयां, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। और जिन लोगों ने ये पहले खाई हुई हैं उन लोगों को तो बहुत ही पसंद होंगी। तो प्लीज़ जो लोग पहले ये खा चुके हैं या जिनको पसंद है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो देखें ये इतनी मज़े की सेवइयां बनती हैं, छोटों को बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आती हैं। और मैं ये इतनी सारी रेसिपियाँ, इतनी सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो देखिए वीडियो को देखकर लाइक कर दिया करें, ये आप लोगों की मोहब्बत होगी और मेरी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह पाक मेरी तमाम YouTube फैमिली को अपनी ईमान में रखे, आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।